व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज से मैं एक और न्यू गेम खेलने जा रहा हूँ भाई, जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। भाई देखो, ये माइनक्राफ्ट का बीटा एडिशन है भाई। मेरा बजट ही इतना था कि मैं बीटा एडिशन डाउनलोड कर पाया। तो मैं माइनक्राफ्ट पहली बार तो नहीं खेल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि पहली बार खेल रहा हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल चेक किया होगा तो सबसे फर्स्ट वीडियो मेरी माइनक्राफ्ट की थी, जो पॉकेट एडिशन था, लेकिन ये बीटा एडिशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हो सके तो कोई और अच्छा वर्जन करने का कोशिश करूँगा। भाई लाइक करोगे तभी, लाइक सब्सक्राइब करो। मैं अच्छे अच्छे अरे ये क्या हो गया बे, साइड में कैसे चला गया। चलो कोई बात नहीं, अपने वर्ल्ड का नाम खतरनाक सा वही रखेंगे। चलो तो यहाँ पे हो गई। भाई देखो, ये बहुत छोटा सा है इसलिए लिखने में थोड़ा देर हुआ बे। क्रिएटिव क्यों बे, क्रिएटिव नहीं। अब मैं हार्डकोर भी बिल्कुल नहीं खेला, वैसे बीटा एडिशन में शायद हार्डकोर नहीं चलता। हार्ड मतलब कुछ नहीं है अब यार, वैसे जैसे नॉर्मल है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। और भाई मुझे इसमें थोड़ी मोड़ी सेटिंग्स भी इधर उधर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोला था इसीलिए। तो इसके वजह से मुझे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, हम लोग स्पॉन हो चुके हैं, हमारा वर्ल्ड भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स को थोड़ा छेड़छाड़, ओपी भैंस की, लिटरली मेरा भाई ये शायद बहुत कम ऐसा चांसेस रहता है कि मेरे को ये विलेज में स्पॉन मिल जाए। लिटरली मैंने बहुत कम स्पॉन ऐसा देखा है मेरे वर्ल्ड में, मेरे गेम में। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब मेरे को तो अच्छा ही है ना। ओह समझ में आ गया, मैंने क्यों हटा दिया यार ऑटो जंप, बार बार जंप करना पड़ रहा मेरे को। तो यहाँ पे आयरन गोलम भी है, चेस्ट नहीं है यार दूर। तो मुझे लगता है ऑटो जंप मुझे ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि इतना जान जान प्लेयर चलेगा तो फ्लैचिंग टेबल ठीक है। ओह भाई मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने कैसे कैसे करके वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो यहाँ पे हेबल मिल गया, तो रुको तो एक मिनट। तो चलो गाइस, मैंने हेबल यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मेरा ऑटो जंप भी चालू हो चुका है। तो ये तो अच्छा ही मैंने कर दिया, नहीं तो भाई मैं वुड नहीं तोड़ा कभी। स्पॉन में कितना देर का हो चुका है, वुड नहीं तोड़ा भाई, एक दिन तो ही गया हूँ। क्योंकि भाई मैं बोल ऐसे नूबरों को तेरा रहा हूँ कि मैं हूँ भी एक नूबरा, इतना मतलब कम खेला हूँ मैं माइनक्राफ्ट। कोई बात नहीं है, मेरे को इतना तो पता है वुड तोड़ा जाता है फर्स्ट में, मैंने खेला भी है बहुत बार। तो ये कॉमन सी चीज़ है, हम लोग को आकर वुड तोड़ना पड़ता है, इससे सारे टूल्स बनेंगे। लेकिन मेरे को सच में यार बहुत बोरिंग वाला काम लगता है। जिस जिसको भी ये बोरिंग वाला काम लगता है कमेंट में जाके अपना नाम लिख दो भाई। तो यहाँ पे हमारा एक और है गेम ले लेते यार जल्दी, भाई हमारे प्लेयर को भूख इतनी लगती है ना, पता चल मोबाइल में से निकल के मुझे ही खा लो। क्राफ्टिंग टेबल जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे एक ही क्राफ्टिंग टेबल लगेगी, अरे हो जा जल्दी से। यहाँ पे स्टिक्स बना लेते हैं, स्टिक्स से बनेगी अपनी सॉर्ड। पिकेक्स बना लेते हैं पहले, एक्स बना ही नहीं यार, इसके लिए थोड़ा सा और वुड लगेगा। चलो एक्स बन गया, पिकेक्स बन गया, वुड सारी यहाँ ले लेते हैं। चलो तो मुझे तो यहाँ पे हेबल से ये भी कन्वर्ट करना पड़ता है ना वीट में, फिर वीट से बनाएंगे ब्रेड। भाई कितना ब्रेड बनेगा, एक भाई 72, इतना काफ़ी है यार।
नहीं यार भाई, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ के अलावा भी और आपको आवाज़ आ रहा होगा तो उसे अवॉइड कर देना प्लीज़ यार, और डिसलाइक मत मारना। यहाँ तो विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा है, मैं काम करता हूँ कि ये बायोम तो वैसे भी बहुत घटिया लगता है मेरे को, मट्टी देखो ना कैसे एकदम, मतलब मेरे को जो भी यहाँ से एकदम मतलब अच्छे अच्छे सामान जितना भी दिख रहा है वो सब लेके मैं इस बायोम से निकल लेता हूँ, मेरे को वो प्लेन बायोम बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है भाई। अच्छा तो मैंने इस घर में चेक ही नहीं किया था कि चेस्ट नहीं है, चलो बस आर्मर में तो वो जो होता है ना उसका घर मिल जाए। कहाँ से चल, ये कौन सा ब्लॉक है भाई, ये तो जरूर लाइब्रेरियन का घर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वही होगा, मैं किसी और का घर शायद। ओह ये फ्लेचर का टेबल है, फ्लेचिंग टेबल है ये। अबे यार धीरे से निकल जाते हैं, ऑटो जंप चालू करके कहीं मैंने गलती से नहीं कर दिया। ओ भाई मैं आया नहीं ना, कैसे भूल सकता हूँ। वाह मैं एक और ये जो क्या बोलते हैं यार एडवांसमेंट है वो कंप्लीट सॉरी खुल गया है एक। भाई मैंने इसके पहले आयरन गोलम को एक या दो बार ही मारा होगा ऐसे, वैसे मैं भी खुद मर गया था। भाग भाग, एक दो तीन, आज अभी कहाँ है, एक और लगा लेते हैं, अभी अभी गिर ना जाऊँ मैं तो। मैंने क्या किया यार, ऐसे मेरा सब सामान यहीं पे, हाँ यहीं पे, अच्छा हुआ यार मेरा स्पॉन यहीं पे था, मैं इतना भी नुबड़ा नहीं था यार, मेरे को सच में याद है। ऐसे माइनक्राफ्ट को छोड़े हुए बहुत समय हो गया मेरे को, रुक जा तेरे को तो अभी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रात हो गई है तो हम जल्दी से जाके सो लेते हैं, नहीं तो पता चला जो नहीं हम लोग को कूद के चले जाएंगे। नहीं यार बहुत दिन छोड़, मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया सच में, वो तो याद भी नहीं है कि अगली बार मैंने खेला कब था ये माइनक्राफ्ट को। तो विलेजर तेरी भैंस की, मैं जागा हुआ और तू सोएगा, तू सोएगा इधर मॉन्स्टर है। ओह भाई इस पर विलेजर सोया था तब लगा था ना इसीलिए, फिर घर के बाहर डायरेक्ट ये लोग उठ जगा रहे भाई, कहाँ है तुम लोग का आयरन गोलम है, ये पिद्दी सा आयरन गोलम मेरे को मारेगा। वैसे मेरे से एक ब्लॉक ज़्यादा बड़ा यार, अबे नहीं नहीं नहीं, नहीं भाग यार भाग भाग, क्या कर रहा है ये हार्ट से भाग गया, बहुत गलत पीटा मैं आज दे, इतना काफ़ी होना चाहिए। आ जा तेरे को तो मैं ऐसे मार दूंगा अभी, शिट यार मैंने एक ब्लॉक लगाया तो था और एक्स्ट्रा, ये यार क्या है कि ये नया अपडेट की वजह से लंबा तो नहीं हो गया ना, इसको कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन खिला दे क्या यार। माइनक्राफ्ट वालों तुम लोग बहुत गंदा कर रहे हो यार मेरे साथ, तो मैं इसको शॉट से ही मारूंगा अभी तो बिना ब्लॉक, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, मैं ब्लॉक लगा के ही मारूंगा इसको, रुक जा बेटे तू तो गया, आ जा आ जा आ जा आ जा, एक दो तीन चार, अब क्या करेगा बोल, बहुत ज़्यादा बोल रहा था ना, ले 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 मुझसे पल्ला जिसने लिया मैंने कर दिया उसको लगा, अरे वाह अच्छा शायरी बन गया। वैसे ये भी मैंने कॉपी किया है यूट्यूब से, दुनिया में हम लोग तोड़ लेते हैं ब्लॉक्स जितना भी फालतू का लगा देने, सिर्फ चार आयरन के लिए भाई मैंने इतना अपना कुटाई करवा लिया है यार, इससे छोटे भी बगल में किए गए वहाँ जाके ले लेता। वैसे मैं यहाँ पे एक आइडिया आया मेरे को अभी, मैं यहाँ पे एक आयरन फार्म क्यों नहीं बना लेता, विलेजर्स भी हैं, विलेजर्स कोई कमी नहीं है, जब इस रात को आ ही जाएंगे, इसमें कोई आयरन फार्म बनाना तो नहीं आता, एक वीडियो में मैंने देखा था तो ऐसे बना रहा था यार, इतना भी नहीं याद है मेरे को। वैसे देखो भाई एक दो तीन,
मैं फिर भी 3 ब्लॉक ऊपर का जब ये ब्लॉक लगा था तब भी मेरे को मार दे, कैसे मार दिया। और ये वुडन क्या बोलते हैं सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, तो मेरे को बनाना चाहिए एक बकेट। तो भाई ठीक है, देखो मैं बना लूँगा। ठीक है ठीक है, सिर्फ बनाने का फ़ायदा ही तो नहीं है, मेरे को आयरन यहाँ से मिल जाएगा तो अच्छा है। इस पानी भरा है इसमें, मैं नहीं जाऊँगा भाई पहले यहाँ पे। देख सुना तो बूट बन सकता है, और क्या बन सकता है, और कुछ नहीं। मेरे पास स्टिक नहीं है तो स्टिक ले लेते हैं। स्वॉर्ड मेरे साथ नहीं, शील्ड बनानी चाहिए मेरे को। फिर उसके बाद बनाएंगे एक बकेट। अबे ये क्या, ओहो गलती कर दिया ना। हाँ ऐसे बनता है शील्ड। मेरे को बनाना चाहिए बकेट, बकेट भी हो गया। चलो तो शील्ड ही था बकेट को। वैसे मैंने सभी आयरन क्यों वेस्ट कर दिया यार, मेरे को बनाना चाहिए था कुछ तो अच्छा। तो कोई बात नहीं, इतना तो चलते रहता है। वैसे मेरा एक्स कहाँ गया, इस बकेट में भर लेते पानी। वैसे मैं सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूँ भाई, क्या करूँ जरूर तो नूबड़ाई। देख लो थोड़ी सी वीडियो देख लो बस, या तो लाइक करके चले जाओ यार अगर आप लोगों को ज़्यादा बोर हो रहा है तो, या क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, भले ही बोर क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी यूट्यूब ये करना चाहते हो तो पता है आजकल सब सबको ही कहीं करना है कि यूट्यूब पे मेरा एक चैनल हो, उस पर मेरा बहुत अच्छा से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, मतलब सबको यही सब चाहिए। तो भाई मेरे को भी चाहिए ना, इसलिए तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आप लोग यही समझ के दे दो मेरे को लाइक, आप ही लोग का चैनल है। हाँ अपना ही चैनल सुन लो यार, वैसे ही तो है मेरा चैनल। अरे कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला यार, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो। ठीक है तो मेरे को और भी घर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। ऊपर तो घर है, एक दो घर है, और यहाँ पे बस चेस्ट मिल गया। मैं इस बायोम से जा रहा हूँ, यहाँ पे होता है यार डबल डोर वाले में। देखो ये लैक्टन का ये घर है, तो क्या बोलते हैं यार लाइब्रेरियन, लैक्टन तो उसके उसको बोलते हैं जिस पर वो काम करते वर्क में। ओ चेस्ट रुक जा, किसका ये घर है बे, देखो रात होने को बता रहा हूँ, जो भी आपकी नज़र से होगा मैं उसका जान लूँगा। उसने सीड रख के रखा है, जरूर फार्मर का ही घर है, तो पट्टी जैसा घर है पहली बार, दूसरी बार पट्टी जैसा सामान भी रख रखा है। भाई यहाँ से निकल लेते नहीं तो आयरन देने को बुला के मरवाएंगे, लेकिन दम तो है नहीं लोग। क्या टट्टी सा मेरे को ये लूट दे रहे यार, ये लूट देंगे मेरे को जहाँ भी जा रहा हूँ। ये सीड काम आएगा मेरे को, एक बेड भी ले लेते हैं, ये भी काम ही आएगा मेरे। यहाँ पे मेरा रेस कंपाउंड सेट है तो ये भी काम ही आया है, वो ब्रिंग स्टैंड चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि ये सच में मेरा काम आने वाला है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ब्लेज रॉड का शायद जरूरत पड़ते रहता है। ब्लेज रॉड का ही जरूरत पड़ता है ना सोने के लिए। मैं इसके कोऑर्डिनेट चेक कर, अभी कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है। टूटता नहीं है क्या, छोड़ ये शायद नहीं टूटता होगा, ये तो घंटी है, मेरे को इतना तो याद ही है। ये भी है ये ले लेते हैं, टूट रहा है लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा क्रैक होते हुए, ग्लिच वगैरह हो गया इसमें तो शायद। रात नहीं हो रहा है, अभी दोपहर हो रहा है। भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और बोर करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा तो ऐसे नहीं लगा होगा, लेकिन अगली वीडियो में वादा करते हैं मुझे आप लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे मिल चुका है यहाँ पे केव। अगली बार जाएंगे हम लोग इस वाले केव में। तो फिलहाल के आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो लाइक कर देना, नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो अच्छी आएगी।
ठीक है, तब तक मैं बाय बाय एंड सी यू।